यूपी इलेक्शन रिजल्ट के बाद मुनव्वर राणा के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। कहा था योगी दोबारा बने सीएम तो छोड़ दूंगा यूपी। मुनव्वर राणा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल उन्होंने कहा था कि योगी दोबारा सीएम बनेंगे तो वह यूपी छोड़ देंगे। अब यूपी के नतीजों में बीजेपी जीत रही है। यूपी चुनाव के नतीजों के बीच सायर मुनव्वर राणा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में मुनव्वर राणा की कॉलोनी के गेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ घर के आसपास पूरे इलाके को पुलिस फोर्स की तैनाती हो गई है। बता दें कि उन्होंने नतीजों से पहले कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनेंगे तो वह यूपी छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिलहाल 261 सीटों पर आगे है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन 137 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक रहा है। मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा राणा भी यूपी के चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से उन्नाव की पूर्वा सीट से उम्मीदवार उरूसा काफी बुरी शिकस्त झेलने की ओर बढ़ रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार उरूसा को नोटा से भी कम मिले हैं। सायर मुनव्वर राणा ने कहा था योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा। मेरे पिता ने पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अब बड़े दुख के साथ मुझे यह शहर यह प्रदेश अपनी मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। मुनव्वर राणा ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर ही बुरा कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेदभाव फैला दिया। इस सरकार ने सिर्फ नारा दिया सबके साथ एवं सबके विकास का, हुआ कुछ नहीं। इनका बस चले तो प्रदेश से मुसलमानों को छुड़वा दें, उनके लिए दिल्ली कोलकाता गुजरात ज्यादा सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।